फ्रेंड्स, मैं महेंद्र वर्मा, लेक्चर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट आरसी खेतान, पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। मैं आपसे आपको स्वागत करता हूं। आज अपन मेथड ऑफ सेक्शन पढ़ेंगे सीई 301 का। पहले अपने मेथड ऑफ जॉइंट्स पढ़ा था। मेथड ऑफ सेक्शन में हम किसी भी एक मेंबर को डायरेक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं बिना सारे मेंबर्स को चेक किए। तो मेथड ऑफ सेक्शन में हमें एक सेक्शन पास करना होता है फ्रेम में, और वो सेक्शन फ्रेम को दो टुकड़ों में बांट देता है, और हमें चाहे लेफ्ट सेक्शन चाहे राइट सेक्शन, उसके किसी मेंबर को हम एनालाइज करके मेथड ऑफ सेक्शन की हेल्प से मेंबर फोर्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फोर्सेस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ आई इक्वल टू जीरो, सिग्मा एम इक्वल टू जीरो। हम इन मैक्सिमम तीन अननोन को सॉल्व कर सकते हैं एक सेक्शन के ऊपर, इनसे ज्यादा नॉन पे सेक्शन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक ये फ्रेम है ए बी सी डी ई एफ, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो एक मीटर एक मीटर एक मीटर की है। सी पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा हुआ है 80 किलोन्यूटन का, और एफ पे एक 50 किलोन्यूटन का लोड लगा हुआ है। ए है वो हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट पे हमने पहले बात किया था, हिंज पे दो रिएक्शंस आती हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, और रोलर सपोर्ट पे एक ही रिएक्शन आती है वर्टिकल। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें बी सी ई सी और ई एफ इन तीन मेंबर्स में फोर्सेस निकालना है। जब हम मेथड ऑफ जॉइंट की बात करते हैं तो मेथड ऑफ जॉइंट में अगर हम यही चीज सॉल्व करने होते हैं तो हमें सबसे पहले रिएक्शंस निकालनी होती है और स्टार्टिंग पॉइंट से आगे पॉइंट बढ़ता आगे तक बढ़ना होता है, क्योंकि हम मेथड ऑफ जॉइंट में मैक्सिमम दो अननोन फोर्सेज पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, जबकि मेथड ऑफ सेक्शन में तीन अननोन फोर्सेज पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी हम रिएक्शन निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि रिएक्शन आगे हमारे काम आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हमें आर ए और आर डी और एच ए निकालना है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स है 80 किलोन्यूटन का, तो एच ए की वैल्यू 80 किलोन्यूटन के बराबर हो जाती है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब हमने ए पॉइंट पे के अबाउट मोमेंट ले लिया, तो हमने लिखा सिग्मा एम ए इज इक्वल टू जीरो, तो आर डी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आर डी इंटू थ्री और 50 इंटू टू और 80 इंटू 0.75, तो आर डी की वैल्यू आ गई 53.33 किलोन्यूटन ऊपर के डायरेक्शन में। आर ए और आर डी दोनों की वैल्यू टोटल वैल्यू 50 किलोन्यूटन है, तो आर ए की वैल्यू माइनस की 3.33 किलोन्यूटन आ गई। माइनस 3.3 मतलब जो हमने आर ए की डायरेक्शन जो अज्यूम की थी हमें उसको चेंज करना पड़ेगा और नीचे की साइड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले रिएक्शन निकालने आर ए आर डी और एच ए, अब उसके बाद में हमें सेक्शन काटना है। तो हमने एक सेक्शन काटा, सेक्शन के नाम है ए ए, जो बी सी ई सी और ई एफ तीनों को काटते जा रहा है। मेथड ऑफ सेक्शन में हमें सेक्शन उस पॉइंट से काटना होता है जिस मेंबर का फोर्स हमें डिटरमाइन करना होता है। इसमें हमारे पास तीन मेंबर में फोर्सेस निकालना है, बी सी ई सी और ई एफ, तो हमने डायरेक्टली एक सेक्शन काट लिया जो तीनों को काटते हुए निकल रहा है। तो उससे ये एक फ्री बॉडी डायग्राम बन के आया सेक्शन का। इसके अंदर हम फ्री बॉडी डायग्राम लेफ्ट साइड से भी कंसीडर कर सकते हैं और राइट साइड से कंसीडर कर सकते हैं, दोनों साइड से कोई इशू नहीं होता। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, दोनों साइड सेम है। तो हमने जैसे राइट साइड वाला लिया, तो राइट साइड में हमारे पास आर डी रिएक्शन है। ठीक है, एफ पॉइंट पे 50 किलोन्यूटन का लोड लगा हुआ है, सी पे ये लगा हुआ है। तो अब हमें इसमें एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना होता है, सबसे मेन चीज ये है, एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है। तो जैसे अगर हम सी पॉइंट की बात करते हैं तो सी पॉइंट से दो फोर्सेस निकल रहे हैं एफ बी सी और एफ सी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट के अबाउट आके मर्ज हो रहे हैं, तो इस बाउंड पे सी पे अबाउट पे ये दोनों फोर्सेस का सम जीरो हो जाएगा मोमेंट। इसी तरह ई पे सी और ई एफ आके मिल रहे हैं, तो ये दोनों वैल्यू जीरो हो जाएंगे। तो इसी तरह से हमें ये चीज सोच के फिर कैलकुलेशन करनी है। तो हमने जैसे हमने सी पॉइंट लिया एम सी, तो एम सी पे सिग्मा एम एट द पॉइंट सी इज इक्वल टू जीरो ले लिया। तो हमने पहले जैसे अभी बताया कि जो सी और बी सी ये दोनों ऑलरेडी जीरो हो चुके हैं इस पॉइंट से, क्योंकि ये दोनों के दोनों सी पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। ठीक है, मिल रहे हैं या निकल रहे हैं दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ये सी पॉइंट पे ये तो वैल्यू जीरो हो गए, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे मोमेंट के लिए तो जीरो आएगी, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ है ही नहीं। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही फोर्स बच रहा है, वो है ई एफ। ठीक है, तो एफ ई एफ, ठीक है, ये वर्टिकल डायरेक्शन कितनी है, ये है 0.75, तो ये 0.75 आ गया। और दूसरा फोर्स क्या लग रहा है, सी पे जो 50 किलोन्यूटन है वो एक ही लाइन ऑफ एक्शन में, तो ये 50 किलोन्यूटन भी जीरो हो चुका है। और आर डी लग रहा है वो कितने डिस्टेंस पे लग रहा है,
एक मीटर के डिस्टेंस पे, तो एफ ई एफ की वैल्यू आ गई 71.11 किलोन्यूटन, वो भी पॉजिटिव में, ठीक है। इसके बाद में हमने सेकेंड पॉइंट लिया एम ई, तो एम ई में ये वैल्यूज आई, एम ई के लिए हमने किया एफ बी सी, ठीक है, एफ बी सी। अब जब ई पॉइंट है, ई पॉइंट पे क्या होगा कि सी ई और ई एफ दोनों आगे जाके मिल रहे हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वाले डायग्राम में बताया है, ठीक है। सी और ई एफ दोनों आगे मिल रहे हैं, तो दोनों जीरो हो चुके हैं, तो अब हमारे पास फोर्सेस कौन कौन से बच रहे हैं, एफ बी सी, आर डी 50 किलोन्यूटन और 80 किलोन्यूटन का लोड। तो कैलकुलेशन करने पर एफ बी सी की वैल्यू आ गई 4.45 किलोन्यूटन। अब हमने एफ बी सी निकाल लिया, एफ ई एफ निकाल लिया, अब हमारे पास एफ सी निकालना बाकी है। तो सी निकालने के लिए हमने इक्वेशन, हमने स्टार्टिंग बताया था कि तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, सिग्मा एच इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो, एफ वर्टिकल में, और सिग्मा एम एट द पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट जीरो। तो हमने सिग्मा वर्टिकल ले लिया इसमें, एफ वर्टिकल फोर्सेज का सम इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो वर्टिकल फोर्सेज का सम इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो एफ सी पॉइंट पे जैसे हमने लिया, सी पॉइंट पे वर्टिकल फोर्स का सम, तो एफ सी कॉस थीटा आ गया प्लस 50 किलोन्यूटन और आर डी, यहाँ पर तीन फोर्सेज ही लग रहे हैं क्योंकि एफ बी सी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एफ ई एफ भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जो वर्टिकल सम फोर्सेज सम है वो सी का कॉस थीटा आ गया 50 किलोन्यूटन, दोनों नीचे की साइड जा रहे हैं और आर डी ऊपर की साइड में जा रहा है, तो एफ सी की वैल्यू आ गई 5.55 किलोन्यूटन, वो भी टेंशन में। और लास्ट में जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें एक टेबल बनानी है। टेबल में सबसे पहले मेंबर, उसके बाद में फोर्स और उसके बाद में नेचर, ठीक है। नेचर मींस कंप्रेशन या टेंशन। तो मेंबर हमारे को पता है, एक तो है ई एफ, एक है बी सी और तीसरा सी, तीनों की वैल्यूज लिख दी 71.11 वैल्यूज में। साथ में हमें उनकी डायमेंशन शो करनी है कि वो न्यूटन में है, किलोन्यूटन में, किस में है, ठीक है। इसी तरह ये 4.45 किलोन्यूटन और ये 5.25 किलोन्यूटन, और तीनों ही फोर्सेज टेंशन में है, ठीक है। तो इस तरह से हमने मेथड ऑफ सेक्शन का एक सॉल्व कर लिया। थैंक यू।